हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आपको स्वागत है क्रिकेट विद शत्रुघ्न चौबे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फार्मर्स वर्सेस पाक आईकेयर के बीच में होने वाला मैच के बारे में। तो दोस्तों, ये मैच स्टार्ट होने में अभी भी 2 घंटा 10 मिनट बचा है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको मैं पहले 4 इंपॉर्टेंट प्लेयर को बताऊँगा दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको स्मॉल लीग के लिए कौन सा प्लेयर बेहतर ये भी बताऊँगा। इसके साथ साथ ग्रैंड लीग के लिए आपको कौन सा प्लेयर बेहतर होगा, तो ये पूरे मिला के आपको एक मेगा ग्रैंड लीग बना के दूंगा दोस्तों। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक और काम करना दोस्तों, आपको ना मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ दोस्तों। अगर बाय मिस्टेक लिंक ओपन नहीं होता तो टेलीग्राम पे जाके @शत्रुघ्न225 चेक कीजिएगा। चेक करते ही दोस्तों आपको मेरे चैनल्स हो जाएगा। यहाँ पर 1293 यूजर्स मेरे चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं। क्रिकेट विद SCB सर्च करेंगे दोस्तों तो मेरे चैनल्स हो जाएगा। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले हम लोग पांच प्लेयर्स को, हम लोग इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को पिक करेंगे। तो जो पहला प्लेयर है दोस्तों, यहाँ पर मैं चार्ल्स पर्चर्ट को ले रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये एक ओपनर बैट्समैन है और यहाँ पर फॉर्मर्स टीम का एक इंपॉर्टेंट बैट्समैन भी है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर मैं जूलियस समर रोयर की ले रहा हूँ क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर है फॉर्मर्स टीम के लिए। उसके बाद यहाँ पर मैं पिक करूँगा दोस्तों मोहम्मद ईशान विकेट कीपर को ले रहा हूँ। तो यहाँ पर एक अच्छे ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर इस प्लेयर, तो ये प्लेयर को जरूर टीम में कन्फर्म कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर फिर एक ऑलराउंडर को मैं यहाँ पर पिक करूँगा दोस्तों, यहाँ पर सिराज अहमद। मैं कल जो मैचेस हुआ था दोस्तों, यहाँ पर मैं मेंशन किया था सिराज अहमद एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा। तो यहाँ पर कल अच्छा गेम खेला दोस्तों, यहाँ पर सब यूजर्स अच्छे विन किए, तो यहाँ पर सिराज अहमद आज भी आपको इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आता है मोहम्मद बाबर, क्योंकि मोहम्मद बाबर के एक्सपीरियंस बहुत है दोस्तों। तो यहाँ पर इनकी पॉइंट्स भी आप देख सकते हो। यहाँ पर ये जो पाँच प्लेयर्स है दोस्तों, यहाँ पर मैं एक विकेट कीपर दो बैट्समैन दो ऑलराउंडर के साथ गया। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको स्मॉल लीग के लिए कौन सा प्लेयर इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, स्मॉल लीग के लिए आपको पहले मैं बताऊंगा दोस्तों कि एक बॉलर की, और वो बॉलर का नाम है दोस्तों जोएल रिचर्डसन। ये जो बॉलर है दोस्तों, कमाल की गेंदबाज है और ये फार्मर्स की टीम से ज़्यादा पॉइंट्स इसी ने लिए, तो यहाँ पर इनको जरूर कंफर्म कीजिए। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पर ऑलराउंडर जूलियस समर। ये जो प्लेयर है दोस्तों, यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग पिक कर चुके हैं, लेकिन ये ऑलराउंडर आपको यहाँ पर स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड जो भी लीग आप खेलोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद मोहम्मद कमरान को आपको स्मॉल लीग के लिए आपको जरूर रखना है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर स्मॉल लीग के लिए मोहम्मद बाबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर मैं टीम में रख चुका हूँ। तो दोस्तों, आप इतना लेने के बाद आपको ग्रैंड लीग के लिए कौन सा प्लेयर है वो भी मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर जो पहला प्लेयर है दोस्तों ग्रैंड लीग के लिए, 8 ट्राई पे विकेट कीपर है दोस्तों, ओपनिंग पे बैटिंग करते हैं दोस्तों, यहाँ पर इस प्लेयर को जरूर कन्फर्म कीजिएगा। यहाँ पर इनको मैं कन्फर्म कर रहा हूँ। उसके बाद आता है दोस्तों बॉलर है जॉर्ज रिचर्डसन, भले इनकी फॉर्म अभी फिलहाल अच्छा नहीं है, लेकिन इनको भी मैं कन्फर्म करने के लिए बोलूँगा। उसके बाद हसन अली को भी लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और इस टीम का मेन बॉलर है दोस्तों यहाँ पर रिचर्डसन भी फेस बॉलर है और यहाँ पर हसन अली भी। तो उसके बाद एक और ऑलराउंडर है दोस्तों यहाँ पर आपको उमर अहमद है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो उमर अहमद, अगर आप 6 से 11 टीम अगर आप बनाते हो तो यहाँ पर उमर अहमद आपको बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है अगर इस प्लेयर को लेना चाहता है, लेकिन ग्रैंड लीग के लिए ये प्लेयर परफेक्ट होने वाला है। लेकिन यहाँ पर आपको 3 बैट्समैन को जरूर लेना पड़ेगा दोस्तों, इसलिए मैं पिक करने के लिए बोलूँगा। 2 प्लेयर को यहाँ पर ऑप्शन देंगे आपको, 2 प्लेयर ऑप्शन है, मोहम्मद यसीन है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर सिकंदर अली है। ये जो 2 प्लेयर है दोस्तों यहाँ पर, ये दोनों में आप एक को ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा दोस्तों सिकंदर अली मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग कर दें और यहाँ पर इनको मैं कंफर्म कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये पूरा मेरा टीम बनने के बाद यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना चाहिए, तो यहाँ पर मोहम्मद बाबर और मोहम्मद कमरान को आप यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन बना लीजिए। उसके बाद यहाँ पर जे रिचर्डसन भी आपको बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, आप इनको भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर यही फिलहाल मेरा टीम रहने वाला है। तो मिक्सिंग टीम मैंने बनाया दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद टीम प्रीव्यू एक बार देख लीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं 2 विकेट कीपर के साथ जा रहा हूँ, मोहम्मद ईशान 8 ट्राइब है। उसके बाद यहाँ पर बैट्समैन पे सी पर्चर, मोहम्मद बाबर, सिकंदर अली है। ऑलराउंडर्स में यहाँ पर समरन, मोहम्मद कमरान, सिराज अहमद है। गेंदबाजी में दोस्तों हसन अली, जे रिचर्डसन है। तो यहाँ पर मैंने कैप्टन पे यहाँ पर एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ जा रहा हूँ, मोहम्मद बाबर और यहाँ पर मोहम्मद कमरान। तो दोस्तों, ये है मेरा टीम। लेकिन दोस्तों, ये जो टीम है आप स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए ट्राई कर सकते हो, तो स्मॉल लीग के लिए आपको ये परफेक्ट हो सकता है, हेड टू हेड के लिए भी ये टीम को आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात है, अगर इसमें एक भी प्लेयर मिस होगा तो आपको मैं जो फाइनल टीम पर मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा दोस्तों। तो टेलीग्राम चैनल को मस्ट इंस्टूट ज्वाइन कर लीजिए, 5 से 6 मिनट पहले आपको मैं टीम यहाँ पर अपडेट कर दूंगा, आप आके टीम देख के आप यहाँ पर खेल सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को मस्ट इन शूट ज्वाइन करना है। तो दोस्तों, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों। थैंक यू।